गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है भाई, कितने बजे? साढ़े चार बजे समझो। आधा घंटा पहले हम घर से निकल गए कोचिंग के लिए और नहावा के रेडी होकर निकले। मैंने कहा गाड़ी में जाके एक व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो जो जो इस चैनल पर नया फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। और बताना कल वाला, क्योंकि पता है 3-4 बजे मैं क्यों उठता हूँ, क्योंकि भाई कल सोया ही 6 बजे था मैं, क्योंकि सारा काम करवा के लाइटें वाइटें कल फाइनल करवा के सोया था, तो इसलिए इतना टाइम लग गया। और अभी हमें जाना है कोचिंग में आके क्लास है हमारी, क्लास के बाद फिर फ्री होंगे, फिर देखेंगे हमें क्या काम है। और अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है मगर वो उतना मायने नहीं करेगा, तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो चलते कोचिंग। हाँ, जो जो इस चैनल पर नए फटाफट से कर लो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर लाजमी कर दिया करो, शेयर एक बंदे को कर दिया करो और उसको बोला करो सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम भी कर लो। और बस दोनों को बातों का एक ही मकसद है, सब्सक्राइब आप भी सब्सक्राइब कर लो, उसको भी बोलो सब्सक्राइब कर ले, उसको शेयर कर रहे हो। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। पहली है अभी क्लास तो अपनी ख़त्म हो गई है, तो आज काफ़ी मजे की क्लास थी, आज लिसनिंग की क्लास थी, तो आज गायलेट के बारे में सारी बात हुई है। तो अभी निकल रहा हूँ मैं घर, और घर जाके कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है यार। जब से उठे तब से कुछ नहीं खाया, क्योंकि उठे हम 4:30 थे और आधे घंटे नहावा के निकल रहा था घर से, तो चलते हैं घर। गाइस अभी यहाँ पे एक तो भी इतने रश से निकला हूँ, इतनी रश क्यों होता है यार, सोच रहा हूँ फिर बाहर से घर के लिए ले ही जाऊँ कचौरी वचोरी समोसे वमोसे, ये पता नहीं घर पे कुछ बनाया हुआ नहीं हो शाम के लिए, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसका तो पावर स्टीयरिंग डलवाया हुआ था मैंने, ये आवाज कर रहा यार। अभी भूख लग रही थी ऊपर तो आ गया था, और ऑटो भी ख़राब हो चुकी है, और तो हमारे पास आज शाम के उसमें है चॉकलेट शेक एंड मदीने की खजूर जो चाचू लाए थे, और चॉकलेट शेक वगैरह तो पी लिया, तो नीचे आके हम लाइटें खोल देते हैं।
और फिर दिखाते हैं आपको घर कैसा लग रहा है। अभी तो वो हो रही है, थोड़ी सी रात हो गई है, मगरिब हो जाए तो गाइस अभी मगरिब की अजान हो गई है तो लाइटें खुलने का वक्त आ गया। मानो भी टेरिस में खड़ी हूँ तो अभी देखना यहाँ से खोल लो। गाइस अब आप देख सकते हो पूरा लाइटें चल गई हैं। टेरेस से जलानी है, टेरेस की लाइटें बननी है। गाइस लाइटें जलाती है, बाहर हम ऊपर और देखते हैं टेरेस की। फाइनली भाई टेरेस की भी खुल गई है तो थोड़ी देर अंदर भाई अभी अपना शाम रात का खाना आ चुका है। रात के खाने में हमारे पास फ्राई ग्रिल वेज और शामी कबाब और खीरा और पराठे और दही। दही मैंने थोड़ा खा लिया तो मेरे को भूख लगी है तो मैं थोड़ा खाना वाना खाता हूँ। और सारी हालत भी फुल नील हुई है क्योंकि यार सुबह रात में इतनी देर से सोए थे तो उसको खाते हैं फिर। तो खाना वाना खा ली, नीचे उतर गए हैं भाई। नीचे इसलिए उतर हैं क्योंकि एक बार जो गई हुई थी बाबा के दोस्त के पास थी तो फुल गंदी बंदी हुई भाई गाड़ी, तो इसको जाके सबसे पहले कराते हैं वॉश और सारा काम कराते हैं। इसका बहुत गंदी हो रही है गाड़ी तो इसको साफ करवाते हैं, सर्विस कराते हैं इसकी, फिर देखेंगे क्या करना है। गाइस अभी देखो गाड़ी लेके तो आ गया हूँ और जिसको गाड़ी दी थी ना उसने पूरी हलीम वलीम गिरा दी है इसके अंदर कि बदबू हो रही है ना तो उसकी भी सफाई करा दी। इतना फजूल का सामान पड़ा था ना गाड़ी सब फेंकता हूँ तो भाई पूरी डिग्गी खाली कर दी। अभी वॉश होगी पूरी डिग्गी। बहुत गंदी हो रही है यार, बदबू अजीब सी हो गई गाड़ी में। सामान ये सब भी धुलेगा, इससे भी हलीम गिर गए वो भी धुलेगा, सब धुलेगा ये। अभी वो मैट वेट पे धुलना है तो अभी गाड़ी वॉश हो रही है, बहुत बदबू हो गई थी तो वो भी उस पर सरफ बर्फ लगा रहे ताकि बदबू ख़त्म हो जाए। अभी सही से वॉश हो गई तो भैया भी उस पर काफ़ी हद तक गाड़ी वॉश हो गई है। अब देखते हैं बदबू चली जाएगी या नहीं जाएगी तो वो भी उस पर सरफ लगा वो भी वॉश हो रही है। इसके नीचे साइडों वाइडों में सरफ लगेगा तो फाइनली वह गाड़ी तो उतर गई है। अभी धुआं धुआं हो रहा है क्योंकि वो गैस निकली है ना तो नीचे आई, मैं वीडियो बनाना भूल गया। तब इस पर सरफ लगेगा फिर ये डन होके बाहर आएगी फिर सूखा कपड़ा। गाड़ी तो वॉश हो गई है फिर पप्पू के संग भी बदबू भी नहीं आ रही अंदर से तब कपड़ा वपड़ा लगेगा कपड़ा लगवाते हैं और अंदर से भी बहुत गंदी हो रही है बदबू इतनी हो गई थी ना उसकी अजीब फीलिंग आ रही थी। फाइनली गाइस गाड़ी धुलवा के तो निकल रहे हैं। अब हुई है ना गाड़ी फुल पॉलिश वॉलिश लगी, खुशबू वुशबू आई, थोड़ा सुकून तो मिल जाए गाड़ी में बैठ के। पहले तो लग रहा था पता नहीं क्या ही मर गया है गाड़ी में, गैर वैर रखा वो नीचे फुल सही साफ किया। अब भी गाड़ी कोई चीज़ ऐसी हैं जिनको सुखाने के लिए डालना है अभी बस फिर भी एक फुल मज़ा कर रही है गाड़ियाँ। अरे 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 यार अरे 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 सफ़र तो करो यार थोड़ा ना आप भी टेंशन ले रहे हो अंकल फ़ौरन फ़ौरन दे रहे हो उसका सारी गाड़ी ना अभी आउट हुई है अभी उसको अपने हिसाब से सेट करेंगे हम। पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल भी नहीं है तो अभी चलते हैं घर। और घर पे आके इसको भी खड़ी करते हैं और सामान लगते हैं इसका जो जो भी रखना है। ये भी हल्की हल्की सी वो है एक गाड़ी जो सर्विस करवा के लिया है तो सही वीआईपी चमक गई है तो चलते हैं हम ऊपर। उसकी चाबी भी आ गई सही साफ़ हो गई ना, बदबू भी नहीं आ रही गाड़ी से। घर क्या लग रहा है हे मज़ेदार भैया। हम गाड़ी वाड़ी साफ़ करवा के तो आ गए थे और ये फुल वीआईपी घर सजाया जो है याकूब भाई ने सजाया, मगर ये किसी और का नहीं सजाते, सिर्फ हमारा घर ही इन्हें सजा दिया तो आप नहीं सजवा सकते इनसे।
सॉरी। हेलो गाइस, कहाँ कर रही हो भैया आजकल तुम? मैं कहीं भी नहीं चल रही आजकल। कल तो और अभी ऊपर आने के बाद टाइम हमें पता चला है कि आज भी हमें 2 बजे है सोते सोते, तो व्लॉग को एंड करना पड़ रहा है। खाना वाना तो मैंने खा लिया था, शामी कबाब खा लिए थे। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हे गाइस, भाई ये क्या कह रहा हूँ?